सिम्स में पर्ची कटवाने लाइन में खड़े अधेर की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि लाइन में खड़े रहने के दौरान अचानक से बुजुर्ग गिर गए। हार्ट अटैक की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। दरअसल सीने में दर्द के बाद इलाज कराने के लिए सिम्स पहुंचे थे और लाइन में लगे हुए थे पर्ची कटवाने के लिए। इस बीच इनकी मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए, ये बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल, जिला अस्पताल सिम्स की ये तस्वीर है, जहां पर लाइन में लगे हुए एक अधेड़ की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक आने की वजह से ये घटना हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, अधेड़ खड़े हुए रहते हैं, अचानक से वो गिर जाते हैं, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उठाते भी हैं, लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सीने में दर्द की शिकायत के बाद ये पहुंचे थे। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये सीसीटीवी फुटेज भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये उठता है कि अगर बुजुर्ग की स्थिति इतनी खराब थी तो उन्हें लाइन में लगवाया क्यों गया था? हालांकि सवाल ये भी उठता है कि बुजुर्ग खुद क्यों आए थे, क्या उनके साथ कोई उनके परिजन नहीं थे? बिल्कुल, देखिए सिम्स की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं और जिस तरह से ताजा मामला सामने आया है उसके बाद फिर से एक बार सिम्स की व्यवस्था जो है वो कटघरे में है। दरअसल बताया जा रहा है तालापारा क्षेत्र के रहने वाले ये अधेड़ थे बुजुर्ग, जो कि सीने में दर्द के बाद यहाँ पर उपचार के लिए सिम्स पहुंचे हुए थे। हालांकि इस दौरान वो पर्ची कटाने के लिए लंबे समय तक जहदोजहद कर रहे थे। जिस तरह से भी मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है, सिम्स में यहाँ पर भारी भीड़ की स्थिति थी, लिहाजा लंबा समय उनको पर्ची कटाने में यहाँ पर लग रहा था, लेकिन इस दौरान उनकी तबियत बिगड़ती गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि लाइन में खड़े खड़े ही वो यहाँ पर मौके पर नीचे गिर गए, जिसके बाद हार्ट अटैक आया उनको और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इसके बाद सिम्स प्रबंधन जो है जरूर मौके पर पहुंचा था, उसके बाद यहाँ पर कवायद की गई, लेकिन तब तक यहाँ पर बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। हालांकि अब इसके बाद एक बार फिर से सिम्स की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर एक सवाल तो यहाँ पर सिम्स की व्यवस्थाओं पर खड़ा होता ही है, लेकिन इसके साथ ही ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह से क्या इन्होंने अपनी बीमारी से अवगत नहीं कराया था। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बुजुर्ग यहाँ पर अकेले आए थे, क्या उन्होंने डॉक्टरों को अवगत कराया था कि उन्हें इस तरह की परेशानी है? क्योंकि अगर इस तरह की परेशानी से डॉक्टर स्टाफ या मेडिकल स्टाफ को भी अवगत नहीं कराया जाएगा तो वो शायद मरीज की स्थिति से परिचित नहीं हो पाएंगे और ऐसे में जो सामान्य प्रक्रिया है उसका पालन करवाया जाएगा। बिल्कुल, इसने देखिए, क्योंकि जिस तरह से जानकारी सामने आई है, ये बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी परेशानी यहाँ पर स्थानीय स्तर पर सिम्स में बताई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको पर्ची कटाने के लिए भेज दिया गया था। हालांकि इस दौरान वो पर्ची कटाने में बहुत विलंब हुआ, जिसके बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ती गई। हालांकि ये लगातार देखने में स्थिति आती रही है कि सिम्स में भारी भीड़ की वजह से अक्सर इस तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि अगर कोई गंभीर रूप से अगर बीमार पहुंचता है और इस तरह की दिक्कत है तो तत्काल उसका उपचार शुरू किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर जितेंद्र, इसके साथ महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होती है? कुछ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं जो उनके जगह पर उन्हें टोकन कटा के देते हैं या पर्ची कटाने में मदद करते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं भी क्या सिम्स में नहीं है? बिल्कुल, देखिए सिम्स की व्यवस्थाओं को लेकर शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर लगातार कवायद की जाती रही है। बीते दिनों कलेक्टर भी यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर निर्देशित करते रहे हैं। हालांकि कुछ व्यवस्थाएं जरूर यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन देखने में आता है कि कुछ दिनों तक व्यवस्था का संचालन होता है, उसके बाद फिर से अवस्थाओं का स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाता है और अक्सर ये दिक्कतें सामने आती हैं जब लोग यहाँ पर सिम्स में उपचार कराने पहुंचते हैं तो या तो उनको लंबा वक्त लगता है उपचार कराने में या फिर डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं होती है, लाइन लंबा लगाना पड़ता है। तरह से आपने भी कहा व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए महिलाओं के लिए अलग लाइन, बुजुर्गों के लिए अलग लाइन, लेकिन जो तस्वीर यहां से लगातार सामने आती है लोगों की भीड़ एक साथ रहती है, ना तो बुजुर्गों के लिए अलग से लाइन होती है ना तो महिलाओं के लिए अलग से लाइन होती है, इसी जहदोजहद के बीच लोगों को पर्ची कटाना पड़ता है। स्थिति बेहद गंभीर है जितेंद्र, क्योंकि अगर एक मरीज की मौत एक अस्पताल में लाइन में खड़े होने के बाद एक मरीज की मौत हो रही है तो ये कितनी गंभीर स्थिति सिम्स की है और कितनी अव्यवस्था वहां पर है, ये समझ पाना बिल्कुल किसी के लिए भी गलत नहीं होगा कि जब कोई भी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर्स हो या फिर स्वास्थ्य मंत्री हो, जब इस तरह के निरीक्षण पर जाते हैं तो निरीक्षण के बाद कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जब मालूम चलता है किसी भी अस्पताल प्रबंधन को कि कोई निरीक्षण के लिए आ रहा है तो निरीक्षण के पहले ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही व्यवस्थाएं फिर वहीं की वहीं रह जाती हैं। हालांकि गंभीर प्रश्न को जन्म देती है यह घटना, इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिलासपुर के अस्पताल का यह मामला जहां पर लाइन में खड़े होने के बाद एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और अस्पताल के अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है।